हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की दुनिया। साथ ही बात करेंगे आने वाले एक सप्ताह में देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियाँ शुरू हो सकती हैं और अगला बारिश का दौर राजस्थान में कब तक देखने को मिल सकता है। और मानसून वापसी की गतियों की बात करें तो राजस्थान से मानसून वापसी की गतियाँ कब तक शुरू होने वाली हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक हल्का नया WDD देखा जाए तो वर्तमान में उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वर्तमान में लो प्रेशर एरिया की बात करें तो कमजोर होते हुए सर्कुलेशन के रूप में नेपाल की पहाड़ियों के आसपास बना हुआ है और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर आपको भारी से तो एक दो इलाकों में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अति भारी वर्षा की गतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन विकसित हो चुका है और इसी के प्रभाव से आने वाले सप्ताह में देखा जाए तो राजस्थान सहित संपूर्ण भारत का मौसम प्रभावित होने वाला है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के बाद देखा जाए तो ये मजबूत होते हुए एक लो प्रेशर एरिया और उसके बाद एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बंगाल की खाड़ी में विकसित रहने की संभावना है और इसी के प्रभाव से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लगाकर गुजरात के कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है और कहीं की मध्यम स्टेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की जहाँ इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। 19 सितंबर के आसपास देखा जाए तो ये सिस्टम मजबूत होते हुए एक लो प्रेशर एरिया के रूप में और 20 सितंबर के आसपास एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में भारतीय तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की संभावना है और इसी के प्रभाव से आने वाले सप्ताह में देखा जाए तो संपूर्ण भारत का मौसम प्रभावित हो सकता है और कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार तो एक दो इलाकों में भारी वर्षा की गतियाँ इसी सिस्टम के प्रभाव से आपको देखने को मिल सकती हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ का उत्तरी सिरा हिमालय पहाड़ी के क्षेत्रों में और पूर्वी सिरा की बात करें तो दक्षिणायन होते हुए इसी सर्कुलेशन के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं लगातार नेपाल की पहाड़ियों के क्षेत्र में पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में मध्यम स्तेज तो कुछ इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की गतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो GIS मॉडल के अनुसार संपूर्ण भारत में किस प्रकार की वर्षा की गतियाँ रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर मध्य भारत के कई इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार तो कुछ इलाकों में तेज वर्षा की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं और उत्तरी तराई इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्र में कहीं की भारी वर्षा की गतियाँ भी आने वाले 24 घंटों के अंदर संभावित हैं, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो सर्कुलेशन इन्हीं भागों के आसपास केंद्रित हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान में बन रहे सर्कुलेशन के प्रभाव से भी इन क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं की मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतियाँ हो सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत की किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज की बात करें वर्तमान में आप देख सकते हैं नेपाल की पहाड़ियों के क्षेत्रों में कहीं की मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वर्तमान में इन्हीं क्षेत्रों पर बने सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ के दक्षिणायन होने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं लगातार इन क्षेत्रों पर देखने को मिल रही हैं, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी वर्तमान में कहीं की खंड वर्षा की गतियाँ तो कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में अरबी सागर की शाखा से आने वाले बादलों से कहीं की हल्की बूंदाबांदी तो ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः ठंडा हवा के साथ शुष्क रहने की संभावना है। हो सकता है कहीं की तेज हवा का दौर इन क्षेत्रों में राजस्थान के कई पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल सकता है। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार की बारिश की गतियाँ रहने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो आज राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कहीं की हल्की तो कहीं की खंड वर्ष की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा
और दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकते हैं। हवा में नमी होने के कारण बिल्कुल ठंडी रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में हल्के बादलों की आवाजाही की गतिविधियां राजस्थान के जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर से लेकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकता है। हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाकों की बात करें तो उत्तरी इलाकों में कहीं हल्की खंड बर्फ की गिरियाँ एक दो इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, परंतु ज़्यादातर इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। बाकी संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ देखने को मिलेगा। और किसानों को सलाह है कि अब यदि आप फसल की कटाई करना चाहते हैं तो अपनी फसल की कटाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एक सप्ताह तक देखा जाए तो राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।